एवरीवन, दिस इज सुजीत सिंह और ऑलमोस्ट ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और हम स्टडी कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया है। बायोलॉजी एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बच्चे, अगर आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी तो वो सारे कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो क्लास 12th की हम एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं, एक एक टॉपिक को बहुत ही ब्रीफ में हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं बच्चे। तो अभी तक आपने मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जा कर के स्पेसिफिक जो चैप्टर्स आप पढ़ना चाहते हैं उन चैप्टर्स को सर्च कीजिए। सारी वीडियोस आपको धीरे धीरे इस चैनल पर अपलोड होंगी। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल्स में इस लिंक को शेयर कीजिए ताकि सभी का बेनिफिट हो। और साथ में साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको क्लासेस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन्स दिए जाएंगे और साथ में साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी वहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं बच्चे। तो आप जा करके मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो जो बेसिकली आज का टॉपिक है, हमने लास्ट क्लास में देखा था मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बाद हमने दे पढ़ा था पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। तो पेडिग्री एनालिसिस के चार्ट को हम कैसे स्टडी करते हैं और डिजीज़ का जो केस है उन चीज़ों को थोड़ा सा हम और ब्रीफिंग करेंगे बच्चे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा बच्चे कि जो क्लासिकल मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं उन्हें हमने ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक को हमने बोला ऑटो शोमल डिसऑर्डर और दूसरी कैटेगरी को हमने बोला सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर। ठीक है, अब ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स में भी हमने दो कैटेगरीज को देखा, एक तो है मैंने पढ़ा बच्चे ऑटो शोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर और दूसरी कैटेगरी को हमने बोला कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अब यहीं पर हम बात करेंगे हीमोफीलिया का केस और सिकल सेल एनीमिया का केस, फिर साथ में हम यहाँ पर बात करेंगे टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफिंटन सिंड्रोम्स के बारे में भी। ठीक है, और डाउन सिंड्रोम्स के केसेस में भी हम बात करेंगे कि ये केसेस हैं क्या। तो पहले हम बेसिकली यहाँ पर स्टडी करते हैं हीमोफीलिया के बारे में कि हीमोफीलिया का क्या केस है। तो देखो बच्चे, अगर आप बात करते हो बच्चे हीमोफीलिया की, तो हीमोफीलिया जो है ना, हीमोफीलिया जो है वो एक तरह का सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। ठीक है, हमने दूसरी कैटेगरी क्लासिकल मेंडेलियन डिसऑर्डर में बात किया था, या तो डिजीज ऑटोसोम्स पर होगी डिफेक्ट, या तो सेक्स क्रोमोसोम पर, और भी सेक्स क्रोमोसोम्स पे भी हमने बात किया था कि एक्स क्रोमोसोम मेजरली डिजीज कॉज करते हैं लेकिन वाई क्रोमोसोम्स पे बहुत ही रेयर टाइप का सिचुएशन है। तो हीमोफीलिया जो है बच्चे वो एक तरह का कैसा है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव रेसेसिव डिजीज है। मतलब इसका मींस अगर आप समझोगे तो बेसिकली हीमोफीलिया जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स पर है। ठीक है, और ये डिजीज कैसी है, रेसेसिव डिजीज है। मतलब यहां पर डिजीज होने के लिए दोनों के केस में दोनों कॉपी पर जीन का डिफेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फीमेल बॉडी की, तो फीमेल बॉडी में होता क्या है बच्चे, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन की मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में, सपोज जो हम मेल बॉडी और फीमेल बॉडी को देख रहे हैं, तो फीमेल बॉडी में सेक्स क्रोमोसोम का जो पेयर होता है बच्चे वहाँ पर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम मेल बॉडी को देखें तो वहाँ पर एक्स वाई क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है बच्चे कि हीमोफीलिया जो है ना वो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। रेसेसिव का मतलब ये हम समझते हैं कि बोथ द
क्रोमोसोम्स, बोथ द क्रोमोसोम्स में क्या प्रेजेंट है, जीन का डिफेक्ट प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है? मतलब यहाँ पर दोनों क्रोमोसोम्स, चाहे वो मैटर्नल हो चाहे वो पैटर्नल हो, दोनों क्रोमोसोम्स पर क्या प्रेजेंट है, डिफेक्ट प्रेजेंट है, जीन का डिफेक्ट प्रेजेंट है, तभी ये डिजीज़ कॉज करेगा, तभी ये क्या कॉज करेगा, डिजीज़ कॉज करेगा। लेकिन अगर हम बात करें मेल बॉडी की, तो मेल बॉडी की केस में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो मेल बॉडी की केस में अगर एक्स क्रोमोसोम्स पर जीन का डिफेक्ट प्रेजेंट है, सपोज़ ये एक एक्स क्रोमोसोम है और ये एक वाई क्रोमोसोम है और यहाँ पर जीन का डिफेक्ट है, तो ये डिजीज़ कॉज करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम कंसीडर करके चलते हैं कि ये एक्स एक्स क्रोमोसोम है और यहाँ पर जीन का डिफेक्ट केवल एक ही क्रोमोसोम पर है, तब ये डिजीज़ कॉज नहीं करेगा। तब किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेव एज अ कैरियर। एक नया टर्म आया ना, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि फीमेल के केस में दूसरा केस क्या होगा बच्चे, दूसरा केस ये होगा कि यहाँ पर जो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स हैं, सपोज़ ये एक्स क्रोमोसोम है, ये एक्स क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ पर अगर दोनों क्रोमोसोम्स पे जीन का डिफेक्ट प्रेजेंट होगा, मीन्स ये क्या होगी, फीमेल डिजीज्ड वन होगी, ये फीमेल क्या होगी, डिजीज्ड वन होगी। लेकिन ये फीमेल जो है ना बच्चे, वो कैरियर की तरह काम करेगी, मीन्स इट कंटेन्स अ डिफेक्टेड जीन बट नॉट अकर अ डिजीज़। मीन्स डिफेक्टेड जीन्स को ये कंटेन करके चल रही हैं, कैरी करके चल रही हैं, लेकिन ये खुद में डिजीज़ अपीयर नहीं हो रही है। और ये केसेस हीमोफीलिया में कैरियर नाम का टर्म्स आता है। टर्म का मतलब ये होता है कि एक्स एक्स यहाँ पर दो क्रोमोसोम्स हैं और दो क्रोमोसोम्स के होने की वजह से यहाँ पर जो जीन में डिफेक्ट है ना, वो दोनों क्रोमोसोम्स में अगर होगा तभी डिजीज़ कॉज करेगा। बात समझ में आ रही है? ये हीमोफीलिया का केस है, ठीक है। लेकिन एक सिंगल क्रोमोसोम्स, अगर आप मेल क्रोमोसोम्स की बात करो, तो यहाँ पर तो केवल एक ही क्रोमोसोम्स हैं, तो एक ही क्रोमोसोम्स पर भी अगर डिफेक्ट है तो डिजीज़ कॉज हो जाएगी, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो है बच्चे, वो बेसिकली हम पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में, सिकल सेल एनीमिया के बारे में। तो सिकल सेल एनीमिया के बारे में हमने लास्ट क्लासेस में ज़्यादा डिटेल्स में स्टडी किया था म्यूटेशंस के रिस्पेक्ट में, बट ओवरऑल हम बात करते हैं कि ये एक तरह की ऑटोसोमल डिजीज़ है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, ये रेसेसिव टाइप की डिजीज़ है। किसकी तरह डिजीज़ है, रेसेसिव टाइप ऑफ डिजीज़ है ये, ठीक है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो कैसी है, ऑटोसोमल है या रेसेसिव है, तो रेसेसिव डिजीज़ है, ऑटोसोमल डिजीज़ है और साथ में रेसेसिव है, ठीक है। डोमिनेंट की केस अलग है। तो अगर हम बात करें बच्चे कि ये प्रोसेस कैसे होता है, तो हमने पढ़ा है बच्चे कि जो रेड ब्लड सेल्स है ना, रेड ब्लड सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है, जिसमें एक तो है बच्चे हीम ग्रुप और दूसरा है ग्लोबिन, और ये एक तरह की क्या होती है बच्चे, प्रोटीन होती है, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा चेन होती है और साथ में बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो होता क्या है कि बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में ही क्या हो जाता है, म्यूटेशंस हो जाते हैं, और वो म्यूटेशंस कैसे होते हैं बच्चे, पॉइंट म्यूटेशंस होते हैं। बात समझ में आ रही है, कौन सा म्यूटेशंस होता है, पॉइंट म्यूटेशन। तो बीटा ग्लोबुलिन चेन में पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से ही क्या फॉर्म होता है, सिकल्ड सेल हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है। बात समझ में आ रही है बच्चे यहाँ पर। तो होता क्या है कि नॉर्मल फॉर्म में जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना बच्चे, वहाँ पर सिक्स पोजीशन पर जो ये अमाइनो एसिड्स जुड़े हुए हैं, सिक्स पोजीशन पर बेसिकली कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो ग्लूटामेट। लेकिन म्यूटेशंस होने की वजह से यहाँ पर सिक्स पोजीशंस पर क्या आ जाते हैं, वैलीन अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं सिक्स पोजीशन पर, ठीक है। बात समझ में आ रही बच्चे। तो सिक्स पोजीशन पर ग्लूटामेट
किससे रिप्लेस हो जा रहा है, वैलीन से। बात समझ में आ रही बच्चे? तो वैलीन जो है ना वो एक तरह का नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स है और ग्लूटामेट एक तरह का पोलर अमाइनो एसिड्स है। ग्लूटामेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वैलिन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसकी वजह से बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन का स्ट्रक्चर्स क्या हो जाता है बच्चे, चेंज हो जाता है। तो एक बात समझ में आया कि जो हीमोग्लोबिन है उसके बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से सिकल सेल एनीमिया कॉज होता है, और सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक तरह का ऑटोसोमल डिजीज़ है। साथ में इसका नेचर कैसा है, रेसेसिव डिजीज़। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ पर? तो ये दो इम्पॉर्टेंट केस है, इनको आप थोड़ा सा और बुक्स की हेल्प से रीड करना तो आपको और बेटर वे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी जो भी मैंने यहाँ पर टर्म्स को डिफाइन किया है। देखो थर्ड केस जो है ना, फिनाइल किटन यूरिया, फिनाइल कीटो यूरिया। तो फिनाइल किटन यूरिया को आप इस तरीके से समझ सकते हो बच्चे। पहली चीज़ तो फिनाइल किटन यूरिया जो है वो ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है। कैसी डिजीज है? ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है। इसमें होता क्या है कि बेसिकली इसमें एंजाइम्स का जो जो भी पर्सन होता है ना जिसमें फिनाइलकेटन यूरिया से अफेक्टेड होता है, इसमें एंजाइम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। जो एंजाइम बेसिकली अमाइनो एसिड के कन्वर्जन में हेल्प करता है, तो बेसिकली यहाँ पर है क्या कि फिनाइल एलानिन जो अमाइनो एसिड्स है वो कंटिन्यूसली कन्वर्ट होता है किसमें बच्चे, टायरो सीन में। और ये टायरोसिन्स में जो कन्वर्जन होता है बच्चे, और फर्दर ये टायरोसिन्स प्रोटीन सिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो पर्सन जो ऑफस्प्रिंग में लैक ऑफ एंजाइम होता है, लैक ऑफ एंजाइम होता है, जब ये एंजाइम एब्सेंट होगा तो फिनाइलकेटन यूरिया टायरोसिन में कन्वर्ट होगा नहीं। धीरे धीरे क्या होने लगेगा बच्चे, फिनाइलनिल का एक्यूमुलेशन होने लगेगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, और एक्यूमुलेट जब होगा तो फाइनली ये फिनाइल पायरविक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्यूमुलेट हो करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनली क्या होगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कन्वर्ट इनटू अ फिनाइल पायरविक एसिड में। जब फिनाइल पायरविक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, तो फाइनली होगा क्या कि ये ब्रेन में जा कर के फिनाइल पायरविक एसिड्स या किसी दूसरे सबस्ट्रेट्स में कन्वर्जन हो जाएगा, डेरिवेटिव फॉर्म में कन्वर्जन हो जाएगा, और ये ब्रेन्स में जाके क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो एक्यूमुलेशन इन ब्रेन, और फाइनली क्या होगा बच्चे, यहाँ पर जो है ब्रेन में जब जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा तो यहाँ पर मेंटल डिसऑर्डर्स होंगे, और फाइनली बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर यूरिन्स में मींस आपका जो किडनी है ना, बहुत सारी फंक्शंस को डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि पूरा जो इंटायर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना बच्चे, क्योंकि ये मेंटल डिसऑर्डर होने की वजह से जो आपका ब्रेन है ना, ब्रेन जो है पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, आप इसको 11th की क्लास में आप पढ़ोगे ना, जब आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के बारे में पढ़ोगे, तो जब ब्रेन में डिसऑर्डर्स होंगे ना तो बहुत सारे बॉडी के सिस्टम को अफेक्ट कर देंगे। तो फिनाइलकेटन यूरिया के केस में बेसिकली हमारी किडनी का जो प्रोसेस है ना, किडनी में जो एब्जॉर्प्शंस होते हैं मिनरल्स के, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फिनाइलकेटन यूरिया बेसिकली फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन फिनाइलकेटन यूरिया के केस में होता ये है बच्चे कि फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड जो है ना, ये अमाइनो एसिड हैं, ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। जब टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होंगे तो बॉडी के अंदर क्या होगा, फिनाइल एलानिन का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। जब धीरे धीरे बढ़ने लगेगा बच्चे, तो फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड्स कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल पायरविक एसिड्स में, और ये फिनाइल पायरविक एसिड जो है ब्रेन में जा कर के इकट्ठा होने लगेगा और ब्रेन के अंदर मेंटल डिसऑर्डर कॉज करेगा। ठीक है, और मेंटल डिसऑर्डर कॉज करने पर ये किडनी के बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्ट करता है। ठीक है,
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये तीनों केसेस आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड हुए होंगे कि सिकल सेल एनीमिया की केस में क्या होता है, हीमोफीलिया की केस में क्या होता है, और साथ में फिनालकिडन यूरिया के केस में क्या होता है। तो बच्चों, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर